एक्सरसाइज 1.5 है, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। इन रोमन न्यूमरल्स के लिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स लिखो। तो रोमन काउंटिंग हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिसमें 7 बेसिक सिंबल्स थे, जैसे कि फर्स्ट के लिए 1 के लिए आई, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल। इस तरीके से ये 7 सिंबल्स हैं, तो इसके बेस पे ही हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो अभी स्टार्ट में था एम यानी कि 1000, डी यानी कि 500, सी यानी कि 100, 100 और 100, 200, ये हो गया 200, एल एक्स यानी कि 60। काउंटिंग 1 से 100 तक आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो एल एक्स होता है उसमें 60, ये हमने लिख दिया 60। अब अगर इन सबको ऐड करें तो ये बनेगा 1760। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन ही करने हैं। ये इसका बी पार्ट है, एम सी डी एक्स एल। ये एम है यानी कि 1000, सी डी का मतलब कभी भी एक बड़े नंबर के पहले ही छोटा नंबर अगर आ जाए, यानी अगर वो नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, पहले बड़ा नंबर है, फिर छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर सब छोटा है, तो ये तो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर पहले आपको बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, फिर एक छोटा नंबर और फिर उससे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये दो नंबर साथ में है। पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, ये साथ में है। तो डी होता है 500, 500 और यहाँ पे लिखा है 100, यानी 500 में से 100 माइनस किया, 500 में से 100 माइनस करेंगे, इसका मतलब 400। तो एम है 1000, सी डी है 400 और एक्सएल हमें पता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी काउंटिंग, 40, एक्सएल था 40। इसमें भी सेम वही, एल होता है 50, 50 में 10 माइनस किया यानी कि 40। तो अगर इसको ऐड करें तो ये बनेगा 1440। इस तरीके से करना है इसको, याद रखना डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिसेंडिंग में नहीं है, जैसे कि ये पहले बड़ा नंबर है, फिर एक छोटा, फिर बड़ा, फिर एक छोटा, फिर बड़ा, तो इसका मतलब ये दो दो नंबर साथ में होंगे, ये छोटा बड़ा ये साथ में होगा। इसी तरीके से सी, एम है 1000, फिर वही सी डी हो गया 400, एक्स यानी 10 और ये है 6, 10 और 6 होता है 16, ये पूरा है 16। इन सबको ऐड किया 1416। बस इस तरीके से इस चीज पर ध्यान देना है। डी है एम एम सी सी एक्स, ये बिल्कुल ठीक है, पहले ये दो बड़े नंबर हैं, फिर उसे छोटे हैं, फिर उसे छोटा, ये डिसेंडिंग में लगा हुआ है, ये ठीक है। तो एम एम यानी कि 1000, 1000, 1000 हो गया 2000, 100 हो गया 200 और ये है 10, फिर ऐड कर दो इनको 2210, इनको ऐड किया ये आया 2210। बस इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जैसे ये है सी 100 है, एल एक्स एक्स ये होता है 70 और ये है 979, 179, इस तरीके से लिखना है, पर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अब जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। 1312, पहले हम इसको ऐसा करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ज़्यादा ईजी रहेगा। 1312 इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म अभी पिछली बार भी किया था, 1 लिखा उसके बाद 3 डिजिट 30 प्लस 3 लिखा, 2 डिजिट है 20 प्लस, फिर 1 की बारी है, 1 के बाद 1 डिजिट है 10, फिर लास्ट में बचा है 2। 1000 यानी कि एम, 300 यानी कि 3 बार सी लिखना पड़ेगा, 100 100 100, 10 के लिए होता है एक्स और 2 के लिए 2 बार आई, इन सबको मिला दो, ये बन गया। इस तरीके से करना है। इसका बी पार्ट 1347,
फिर दोबारा से वैसे ही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो पहले 1347। 1000 यानी m, 300 यानी तीन बार c, 40 के लिए लिखते हैं हम xl और 7 लिखते हैं इस तरीके से। बस वापस मिला दो इनको, बीच में से प्लस का साइन हटा दो और ये बन गया। c पार्ट है 1525, फिर से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। वन थाउजेंड के लिए लिखा m, 500 के लिए लिखते हैं d, 20 के लिए डबल x और 5 के लिए v। इन सबको मिला देंगे, बीच में से बस प्लस का साइन हटाना है, ये बन गया। बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत इजी है। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल्स, जो सही सिंबल है वो लगाना है। पहले इनको देखते हैं, जो बड़ा होगा उसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन या लेस देन। एक्स एल यानी कि 40, यह है 40 और यह 9, यह है 49, ये है 50, 60, 70 और ये है 171। 49, 71, 71 बड़ा है तो इधर को साइन आएगा। इसी तरह बी, एक्स एक्स यानी कि 20 और ये 7, 27। एक्सएल यानी कि 40 और ये है 4, 44 बड़ा है। एक्सएल आई वी ये बना है 44 इक्वल है, ये है 58 और ये है 100, तो 58 और 100 में 100 बड़ा है। एक्स सी यानी कि 97 और ये है 89 में 97 बड़ा है, ये है 90, ये है 94 क्योंकि एक्स और सी होता है 90 और ये है 4, 94, तो 90 और 94 में 94 बड़ा है। ये हो गया चैप्टर कंप्लीट।